वोहरा जी मौजूद है। भावना जी, पूरी प्रक्रिया किस तरह की हुई, कोई पैनल था या फिर सिंगल नाम पे डिस्कशन किया जा रहा था? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी कि सर्वसम्मति से करदल धोनी के साथ अर्धी विश्वजी के नाम पे सब लोगों ने मुहर लगाई है और सभी ने बहुत खुले मन के साथ उनका स्वागत किया है और बहुत खुशी है कि जिन्हें सत्ता संगठन का इतना लंबा अनुभव है उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हमें काम करने का अवसर मिलेगा। बहुत लंबे समय से छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग उठ रही थी, इसको किस तरह से देखते हैं और बीजेपी ने उसको पूरी कर दिया? भारतीय जनता पार्टी हमेशा हर व्यक्ति के, हर वर्ग के व्यक्ति के, महिलाओं के, पुरुषों, युवाओं के हर विषय में सोचते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने अगर तय किया कि विश्वदेव साय जी अगर हमारे मुख्यमंत्री हैं, बहुत सोच समझ कर हम सब ने निर्णय लिया है और हमें उनके मार्गदर्शन में काम करना है और बहुत खुशी हमें इस बात की। पंडरिया को लेकर किस तरह की आपकी तैयारी है अब, क्योंकि अब यहाँ से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी? पंडरिया लगातार पिछले 5 साल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है, अवैध शराब, अवैध कारोबार, सट्टे का जिस तरीके से फल फूल रहा है, तो मुझे लगता है उस पर लगाम लगाना सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण जो विषय है, मुझे लगता है सबसे बड़ा विषय पहले तो यही है। तो ये थे हमारे साथ पंडरिया विधायक भावना बोहरा जी और हमारे साथ मौजूद है उद्देश्वरी जी।